बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 21 जनवरी सन 2021 और दिन है जुमेरात का। ऑफिशियली तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के हवाले से भी न्यूज़ आ चुकी है कि उसके कुछ जो हिस्से हैं वो काम कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो वेबसाइट है उसका कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ, यानी उसके जो डाटा है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और दूसरी चीज़ कि जो दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि आउट पास के हवाले से क्या न्यूज़ है, तो इंशाल्लाह फुल उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक आप कह सकते हैं, जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की फुल वेबसाइट रिकवर हो जाएगी, अपना काम स्टार्ट करना कर देगी, तो इंशाल्लाह उस टाइम आप अगर उन्होंने अलाउड किया तो आप दोबारा से अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। यानी आप तो जानते हैं कि 31 मार्च तक एक्सटेंड किए गए थे, जो जाना चाहते हैं अपनी कंट्री में बिना फाइन पे किए हमेशा के लिए। तो फ़िलहाल उसके बाद में जब ये ऐलान किया गया था तो उस वक़्त से वेबसाइट में ख़राबी पैदा हो गई थी, तो इसकी वजह से ही अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि क्या जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो भी होगी या फिर जो पुराने ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं उनको ही जाने के लिए टाइम दिया गया है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही ये फुल रिकवर होगी और अपना काम स्टार्ट करेगी तो आपके साथ एक तफसीली वीडियो शेयर की जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के हवाले से न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।